नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में एक रैली के दौरान भी अयोध्या के राम मंदिर का जिक्र किया। शाह ने कहा कि 1 जनवरी 2024 तक अयोध्या में राम मंदिर तैयार हो जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आजादी के बाद से ही कांग्रेस राम मंदिर के मुद्दे को कोर्ट में घसीट रही थी। कांग्रेसी इसे कोर्ट के अंदर उलझा रहे थे, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट। मोदी जी आए, एक दिन सुबह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और मोदी जी ने रामलला के मंदिर का भूमि पूजन कर मंदिर निर्माण शुरू कर दिया। बता दें, त्रिपुरा में चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले प्रदेश में अलग अलग मुद्दों का जिक्र किया जा रहा है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बन भूलपुरा में अतिक्रमण को हटाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया है। इसका सीधा मतलब है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अभी नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रातों रात 50,000 लोगों को हटाया नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही राज्य सरकार और रेलवे को नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एस के कॉल और जस्टिस ए एस ओका की बेंच ने इस मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। अब इस मामले में अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनभूलपुरा के लोगों को फौरी तौर पर राहत जरूर मिली है। अदालत का फैसला आने के बाद हल्द्वानी में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने खुशी मनाई। याचिकाकर्ताओं के वकील और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में मानवीय पक्ष को देखा जाए और अगर रेलवे को जगह की जरूरत है तो उसे भी तय किया जाए। खुर्शीद ने कहा कि जो लोग यहां पर रह रहे हैं उनके लिए भी पुनर्वास की कोई योजना लेकर आने के लिए शीर्ष अदालत ने कहा है। बता दें, नैनीताल हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि बनभूलपुरा इलाके की गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती व इंदिरा कॉलोनी में रेलवे की 28 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाया जाए। अतिक्रमण की जद में 4,365 मकान आ रहे हैं। इस संभावित कार्रवाई से प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या लगभग 40,000 से 50,000 है। अफगानिस्तान में तालिबान के द्वारा महिलाओं पर पढ़ने लिखने की पाबंदी लगाने को लेकर गीतकार जावेद अख्तर ने मुस्लिम विद्वानों की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। जावेद अख्तर ने ट्वीट कर कहा कि तालिबान ने महिलाओं और लड़की के स्कूल कॉलेज में पढ़ने लिखने और उनके काम करने पर इस्लाम के नाम पर पाबंदी लगा दी है। इस पर भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरे इस्लामिक विद्वानों ने अब तक इसकी निंदा नहीं की है। आखिर ऐसा क्यों? क्या वे तालिबान से सहमत हैं? बता दें, हाल ही में तालिबान ने लड़कियों की उच्च स्तरीय शिक्षा पर भी रोक लगा दी थी। इससे पहले प्राथमिक शिक्षा पर बैन लगाया था। लड़कियाँ और महिलाएँ इसका विरोध कर रही हैं। बता दें, इससे पहले भी तालिबान ने महिला विरोधी कई फैसले किए हैं। उत्तराखंड का मशहूर तीर्थ शहर जोशीमठ धंस रहा है। जोशीमठ में पहाड़ों पर अचानक जमीन का धसाव शुरू हो गया है। जोशीमठ से आ रही तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कहीं कहीं से पानी का अचानक भयानक रिसाव शुरू हो गया है तो कहीं जमीन फटने लगी है। जमीन में कई फीट चौड़ी दरारें पड़ गई हैं, मकान की दीवारें फटने लगी हैं, कई जगहों पर कीचड़ और मलबे वाला पानी का बहाव तेज होता जा रहा है। इसके कारण जोशीमठ के बाशिंदों में अपने शहर के अस्तित्व को लेकर आशंकाएं बढ़ गई हैं। हजारों लोगों का इन दिनों एक ही सवाल है, क्या वो आने वाले दिनों में कहां जाएंगे, कहां रहेंगे? लोग बुरी तरह डरे हुए हैं और रात भर जागने को मजबूर हैं क्योंकि उनके घर रहने और सोने लायक नहीं बचे हैं। अब तक 590 घरों में दरारें आ गई हैं और इससे 3,000 लोग प्रभावित हैं। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने कहा है, अगर समय रहते यहां से प्रभावित लोगों को विस्थापित नहीं किया गया तो बड़े पैमाने पर जनधन की हानि होगी। संघर्ष समिति ने राज्य सरकार से मांग की है कि लोगों को जल्द विस्थापित किया जाए। घरों में दरारें आने की वजह से लोगों ने अपने मकान खाली करने शुरू कर दिए हैं और वो सुरक्षित स्थानों पर या अपने पुश्तैनी गांव की ओर लौटने लगे हैं। बता दें, जोशीमठ को लेकर साल 1976 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट में भी इस शहर के धसने का जिक्र किया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 1976 की रिपोर्ट के बाद से आज तक भी सरकारों ने कोई कार्रवाई नहीं की। लोगों का साफ कहना है कि उनका अस्तित्व खत्म होने के कगार पर आ गया है। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक अतुल सती ने कहा, अस्पताल, सेना के भवन, मंदिर, सड़कें सब धस रही हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना की एनटीपीसी की सुरंग ने जमीन को खोखला कर दिया है तो दूसरी ओर बाईपास सड़क के लिए की गई खुदाई ने शहर की नींव हिला दी है। कांग्रेस के द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी और भारतीय किसान यूनियन यानी बीकेयू का साथ मिला है। आरएलडी के कई वरिष्ठ नेता बुधवार को भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। कांग्रेस की ओर से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के विपक्षी दलों समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को भी पत्र लिखा गया था, लेकिन इनके मुखिया अखिलेश यादव और मायावती इस यात्रा में शामिल नहीं हुए। हालांकि दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों ने यात्रा को अपनी शुभकामनाएं दी। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा जब बुधवार को आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी के गृह जिले बागपत में पहुंची तो यहां आरएलडी के वरिष्ठ नेताओं ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया।
यात्रा को शामली जिले से आगे बढ़ते हुए हरियाणा में प्रवेश करना है। उसके बाद यात्रा पंजाब से होते हुए कश्मीर जाएगी, जहां इस यात्रा का समापन होना है। दिल्ली के कंझावला में लड़की को कार से कई किलोमीटर घसीटे जाने के मामले में अब दो और आरोपियों के शामिल होने की बात सामने आई है। पुलिस ने कहा कि संदिग्ध सीसीटीवी फुटेज में देखे गए हैं। पुलिस ने आज कहा है कि संदिग्ध कार के मालिक आशुतोष और आरोपियों में से एक का भाई अंकुश है। पुलिस ने कहा कि दोनों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बता दें, कार में सवार पांच आरोपियों दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण मिथुन और मनोज मित्तल को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। दरअसल पीड़ित लड़की 1 जनवरी को तड़के स्कूटी से घर लौट रही थी। कार में सवार आरोपियों ने उसे टक्कर मार दी। लड़की कार के निचले हिस्से में फंस गई। कई किलोमीटर तक वो घसीटती गई, इससे उसकी मौत हो गई। FIR में कहा गया है कि कार में सवार लोगों को पता था कि उन्होंने स्कूटी पर एक लड़की को टक्कर मारी थी। कंझावला केस में बुधवार को अंजलि की मां ने अंजलि के दोस्त पर गंभीर आरोप लगाए। अंजलि की मां रेखा ने कहा है कि खुद को अंजलि के दोस्त बताने वाली निधि गलत बयानी कर रही है। निधि सभी गलत बातें कर रही है। अगर निधि मेरी बेटी की सहेली थी तो उसे अकेला कैसे छोड़ गई? ये सोची समझी साजिश है। इसमें निधि शामिल हो सकती है। जांच होनी चाहिए और 5 लोगों को दंडित किया जाना चाहिए। अंजलि की मां रेखा ने यह बात बुधवार 4 जनवरी को न्यूज एजेंसी ANI से कही। अंजलि के मामा प्रेम ने भी निधि पर सवाल उठाया। प्रेम ने कहा कि निधि और उसके परिवार को घटना के बारे में पहले पुलिस को सूचित करना चाहिए था। निधि से पूछताछ की जाए, वो भी शामिल है। हम मामले की CBI जांच की मांग करते हैं। ये छोटा मामला नहीं है, दर्दनाक घटना है। बता दें, 1 जनवरी को घटी इस घटना ने दिल्ली को हिला दिया है। सुल्तानपुरी इलाके में एक कार ने स्कूटी को टक्कर मारी। स्कूटी पर 2 लड़कियां थीं। एक लड़की को कार घसीटती हुई करीब 12 किलोमीटर ले गई। लड़की की मौत हो गई। उसका नाम अंजलि था। पीछे बैठी उसकी दोस्त निधि इस घटना के बाद वहां से भाग गई और सीधे घर चली गई। उसने पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी। एयर इंडिया की US इंडिया फ्लाइट में गंदी और घटिया हरकत करने वाला शख्स मुंबई का बिजनेसमैन है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी की पहचान शेखर मिश्रा के रूप में की है। उसके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। एयर इंडिया ने उस पर 30 दिनों तक अपनी फ्लाइट पर रोक लगा दी है। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया है कि एयर इंडिया ने आरोपी और शिकायतकर्ता के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी। एयर इंडिया ने दिल्ली पुलिस को सिर्फ उनके नाम बताए थे। इसके बाद पुलिस ने पूरी पड़ताल की। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई के व्यवसायी शेखर मिश्रा के रूप में पहचाने गए आरोपी को दिल्ली पुलिस ने 26 नवंबर को न्यूयॉर्क से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में गंदी हरकत करने और अपने बगल में बैठी बुजुर्ग महिला यात्री पर पेशाब करने के लिए आरोपित किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सूत्रों के हवाले से कहा कि दिल्ली पुलिस उस बिजनेसमैन की गिरफ्तारी के लिए मुंबई जा सकती है। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा अधिकारी से सूचना छुपाने के लिए पुलिस एयर इंडिया के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू करेगी। पठान फिल्म का प्रमोशन करने पर अहमदाबाद में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक मॉल में बुधवार को तोड़फोड़ की। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फिल्म के पोस्टर फाड़ दिए और नारेबाजी की। शाहरुख खान और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की प्रमुख भूमिका वाली ये फिल्म 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है। फिल्म पठान को लेकर विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके एक गाने बेशर्म रंग में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के द्वारा पहने गए कपड़ों को लेकर दक्षिणपंथी और हिंदुत्ववादी समूहों ने फिल्म के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि इस फिल्म को थिएटर में न लगाया जाए। बजरंग दल ने कहा कि अगर मूवी रिलीज हुई तो बजरंग दल अपने तेवर दिखाएगा। बता दें, विवाद को देखते हुए सेंसर बोर्ड ने पहले ही पठान फिल्म के निर्माताओं को बेशर्म रंग गाने सहित फिल्म में कुछ बदलाव करने को कहा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिनों के दौरे पर मुंबई पहुंचे हैं, जहां पर वो उत्तर प्रदेश में अगले महीने होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सिलसिले में देश के बड़े व्यापारियों, फिल्म जगत के लोगों और बड़े उद्यमियों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री योगी ने पहले दिन प्रवासी उत्तर भारतीयों से संवाद किया और उन्हें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए न्योता दिया। योगी ने कहा कि जब से उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी है, UP से माफिया राज और गुंडा राज खत्म हो गया है। इसलिए वो धर्म के राज्य से अर्थ के राज्य में लोगों से मिलने आए। वहीं शिवसेना ने योगी के दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि योगी जी को गुजरात जाना चाहिए, क्योंकि पहले ही महाराष्ट्र से बड़ी इंडस्ट्री गुजरात शिफ्ट हो गई है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र से पहले ही बड़े निवेशक गुजरात शिफ्ट हो गए हैं, ऐसे में मुंबई आकर योगी जी को कुछ मिलने वाला नहीं है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी .com के साथ।